हेलो भाई, कैसे हो सारे? सो सामने आप देख रहे हो इग्निस का जीटा मॉडल, जो कि सेकेंड टॉप मॉडल है, अल्फा के जस्ट नीचे प्लेस किया गया है। एंड इसकी मैं एकदम डिटेल में बात करूँगा, क्या फीचर्स आ रहे हैं, क्या माइलेज है, कैसा कंफर्ट है, सभी कुछ मैं आपको एकदम डिटेल में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे इस गाड़ी की प्राइसिंग से शुरुआत करते हैं। तो 6,47,000 इसकी एक शोरूम कॉस्ट आती है पैन इंडिया, और वहीं पर अगर मैं ऑन रोड प्राइस की बात करूँ तो अभी मैं नवी मुंबई में हूँ, उस हिसाब से 7,54,000 अराउंड इसकी प्राइस आ जाती है ऑन रोड। अब यहाँ पे अगर मैं सबसे पहली चीज़ आपको चाबी दिखाऊँ इस गाड़ी की, तो प्रॉपर आपको कीलेस एंट्री यहाँ पे मिल जाती है, लॉक एंड अनलॉक बटन उस पर आपको मिल जाएगा। देन बात करते हैं इस गाड़ी के फ्रंट से, तो काफ़ी स्टाइलिश हैचबैक है दिखने में, नो डाउट जब रोड पे दिखती है अच्छी एक वाइब्स देती है, जो कि इसको थोड़े कैरेक्टरिस्टिक्स मिले हैं एसयूवीज के, जैसे कि स्किड प्लेट सिल्वर में, ऊपर आपको सिल्वर में आपको रूफ रेल्स मिल जाती हैं, तो ये थोड़ी अच्छी लगती हैं देखने में। हेडलाइट की बात करते हैं, तो किसी भी तरीके की डीआरएल्स आपको यहाँ पे नहीं मिलती, हैलोजन रिफ्लेक्टर बेस्ड हेडलाइट मिल जाती है, हैलोजन में आपको यहाँ पे टर्न इंडिकेटर मिल जाते हैं। ऑल्सो ग्रिल अगर आप देखते हो, पूरी क्रोम सराउंडेड है और अच्छी लग रही है, इवन ग्रिल में 4 स्लॉट मिल रहे हैं क्रोम में, सो क्रोम का भरपूर इस्तेमाल किया है। उसके बाद लोअर ग्रिल आपको सिल्वर स्किड प्लेट्स यहाँ पे मिल जाती है इस तरफ अगर आप देखते हो, और यहाँ पे एक सिंगल स्लॉट रेडिएटर ग्रिल आपको मिल जाएगी। फॉग लैम्प की अगर मैं बात करूं तो हैलोजन रिफ्लेक्टर बेस्ड यहां पे मिल जाएंगे, और इस तरफ आपको मिल जाता है इसमें फ्रंट टोइंग हुक ये वाला। इस गाड़ी की प्रेजेंस की अगर बात की जाए, जो इसकी चौड़ाई आती है इस गाड़ी की, वो आती है 1690 mm की चौड़ाई, एक अच्छी खासी चौड़ाई है। ऑल्सो बॉनेट पे आपको 2 स्प्रे मिल जाते हैं वाइपर के लिए। देन अब आते हैं इसकी साइड प्रोफाइल पर, तो ये भी काफ़ी अच्छी और बिजी लगती है देखने में, ठीक है। डिज़ाइन वाइज अच्छा, थोड़ा स्पोर्टी फील कहाँ पे आता है, स्पेशली इसके ब्लैक अलॉय व्हील्स पे। अक्रॉस द व्हीकल व्हील क्लैडिंग तो मिल ही रही है, और लोअर साइड में सॉरी आपको ब्लैक क्लैडिंग मिल जाती है। गाड़ी में 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आता है, तो बड़े स्पीड ब्रेकर्स पॉटहोल से आप आराम से गाड़ी निकाल सकते हो। यहाँ पे ये हैं इसके ब्लैक अलॉय व्हील्स, डिस्क ब्रेक आगे मिलता है, और ये 15 inch के व्हील आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। बॉनेट पे कुछ ऐसे ब्लैक ट्रीटमेंट्स मिलती हैं, जो कि अच्छी लगती है देखने में, थोड़ी स्पोर्टी फील आती है। इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल एंड रिट्रैक्टेबल ORVMs हैं LED टर्न इंडिकेटर के साथ। ए पिलर और बी पिलर जो है वो गाड़ी का ब्लैक में आपको मिलेगा। सिल्वर ट्रीटमेंट में रूफ रेल्स हैं, रेगुलर एंटेना आपको मिल जाता है, डोर हैंडल्स बॉडी कलर में आपको मिल जाते हैं यहाँ पे, और पैसिव रिक्वेस्ट सेंसर आप यहाँ पे देख सकते हो, बस चाबी जेब में डालो अंदर घुस जाओ, वही काम है। सो काफ़ी एक वो बोलते हैं ना, काफ़ी ईजी कर देती है ये चीज़ों को, ठीक है। देन यहाँ पे कुछ ट्रीटमेंट मिल जाती है आपको, आप देख सकते हो अच्छी लग रही है ये चीज़ देखने में, थोड़ा वो एयर वेंट टाइप लग रहा है, बट स्टिल अच्छा लग रहा है इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन। रेयर प्रोफाइल की अगर बात की जाए, तो इसमें 4 पार्किंग सेंसर्स पीछे आ रहे हैं, सिल्वर में स्किड प्लेट्स आती हैं, लोअर में आपको रिफ्लेक्टर्स मिल जाएंगे, हैलोजन टेल लाइट आपको यहाँ पे मिलती है, ठीक है। LED ट्रीटमेंट नहीं है इसमें, ये आपकी स्टॉप लाइट, इंडिकेटर, रिवर्स लाइट आपको यहाँ पे, और नीचे की तरफ थोड़ा रिफ्लेक्टर आपको मिल जाता है। बात करें अगर इसकी, तो आपको इंटीग्रेटेड स्पॉइलर, हाई माउंट स्टॉप लैंप, रेयर डिफॉगर्स, रेयर वॉशिंग वाइपर आपको इस वेरिएंट में मिल रहा है सेकंड टॉप में, जो कि काफ़ी फीचर लोडेड है। इग्निस की ब्रांडिंग क्रोम में, सुजुकी का लोगो। ऑल्सो यहाँ पे किसी भी तरीके का आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा इस वेरिएंट में नहीं मिलता, ठीक है। अब बात करते हैं इसके बूट स्पेस की, तो यहाँ पर हम इसका बूट अनलॉक कर लेते हैं, ठीक है। तो सो गाइस, 260 लीटर का बूट स्पेस आता है आपको इग्निस में, जो कि एक अच्छा बूट स्पेस है इसकी सेगमेंट में। एक आपको लाइट भी मिल जाती है यहाँ पे, ये देखो। सो बूट लगेज लैंप आपको मिल जाएगा, ऊपर पार्शल ट्रे आपको मिल जाएगी, 60-40 में सीट का स्प्लिट आपको मिल जाता है, ये आपको फैब्रिक मैट मिल जाती है। इसके नीचे स्पेस की अगर मैं बात करूँ, तो आपको स्टील रिम यहाँ पर दिया जा रहा है, अलॉय नहीं है। और ये यहाँ पे जो आपको मिलता है, ये भी अगेन फुल साइज़ आपको स्पेयर व्हील मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि 14 inch का किया है उसको। हार्ड प्लास्टिक इंसुलेशन यहाँ पे मिल जाती है, प्रॉपर ग्रैब पॉइंट मिल जाएगा इसको बंद करने के लिए। सो ये हो गया फुल एक्सटीरियर। इस गाड़ी में 32 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी आती है, ठीक है। अब अगर मैं इस गाड़ी में इंजन की बात करूँ, तो इसमें 1.2 लीटर का आपको पेट्रोल इंजन ऑफर किया जाता है, जो कि 82 bhp और 113 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करके देता है। इस इंजन से अगर माइलेज की बात की जाए, तो आपको 20.8 kmpl का यहाँ पे आपको माइलेज मिलता है। ये सामने गाड़ी अभी मैनुअल ट्रांसमिशन में है। सो गाइस, अब काम की बात करें, तो देखो, अगर आप महाराष्ट्र के अंदर से हो,
और आप मारुति की नेक्सा का कोई भी प्रोडक्ट लेने का प्लान कर रहे हो तो प्लीज़ आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट करो। मारुति नेक्सा माई कार्स के नंबर आपको दे रहा हूँ स्क्रीन पे। देखो बेनिफिट ये होगा, काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग ऑफर्स एंड डील्स इनके पास चलते रहते हैं, तो आपको एक बेटर डील भी मिल सकती है कंपैरेटिवली, और इनके पास बहुत सारी गाड़ियाँ ऑलरेडी स्टॉक में होती हैं। सो अगर आपको कहीं वेटिंग पीरियड ज़्यादा मिल रहा है एक बार आप यहाँ कॉन्टैक्ट कर लो। सो अगर आप नवी मुंबई, पुणे, थाने, पनवेल या आसपास से कहीं हो तो प्लीज़ आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो नंबर्स नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको दे रहा हूँ। अब भाई बात करते हैं इसके इंटीरियर की, ठीक है। सो यहाँ पे डोर ट्रिम से अगर मैं चालू करूँ, ठीक है, अगर आप देखते हो तो ब्लैक और वाइट फिनिश आपको मिलने वाली है। वाइट है तो आपको कंपैरेटिवली उसको अच्छा खासा मेंटेन भी करना पड़ेगा। सो हार्ड प्लास्टिक दिया है हर जगह, क्रोम में इंटीरियर डोर हैंडल मिल जाता है, यहाँ पे एक अच्छा मेटालिक फिनिश दिया है जो कि एक्सटीरियर पेंट से मैच होता है और ये अच्छी लग रही है चीज़। वाइट ट्रीटमेंट आप देख सकते हो। सो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं ओवरवीएम के कंट्रोल्स, लॉक एंड अनलॉक बटन, विंडो लॉक बटन, ऑटो डाउन आपको ड्राइवर साइड पे, और सारी इलेक्ट्रिक विंडोज़ एंड नीचे 1 लीटर बॉटल स्टोरेज, ट्विटर्स आपको मिलेंगे, स्पीकर्स आपको मिलेंगे। सो 6 स्पीकर सिस्टम का सेटअप आपको इस गाड़ी में ऑफर किया जाता है। ऑल्सो सीट की अगर मैं बात करूँ सो फैब्रिक आपको यहाँ पे फुल स्ट्री मिलती है, अच्छे खासे पैटर्न आपको, कुशनिंग अच्छी है, काफ़ी चौड़ी सीट है सो कम्फर्टेबली पैसेंजर बैठ सकता है। यहाँ पे एडजस्टेबल हेडरेस्ट आगे और पीछे, भाई पीछे भी एडजस्टेबल दिए हैं, ये एक चीज़ अच्छी है। यहाँ पे हालांकि आपको हाइट एडजस्टेबल ये सीट नहीं मिलती, सिंपली आप इसको ऐसे ही एडजस्ट कर सकते हो। हाइट एडजस्टेबल सीट के लिए आपको अल्फा वेरिएंट पे जाना पड़ता है। ऑल्सो अब बात करते हैं भाई इसके इंटीरियर की तरफ, अगर आप देखते हो तो आपको फ्यूल लिड ओपन करने के लिए स्विच मिल जाता है। सो गाइज यहाँ पे अगर आप देखते हो ये है इसका स्टेयरिंग व्हील, 3 स्पोक स्टेयरिंग व्हील, सिल्वर ट्रीटमेंट आपको यहाँ पे मिल जाएगी, सुजुकी का लोगो क्रोम में। यहाँ पे सारे ऑडियो माउंटेड कंट्रोल्स आपको मिल जाएंगे, नीचे वॉइस कमांड का कंट्रोल्स, कॉल एक्सेप्ट एंड डिक्लाइन का भी। सॉफ्ट प्लास्टिक का इस्तेमाल किया है स्टेयरिंग व्हील पे, और ये स्टेयरिंग व्हील एडजस्टेबल है ओनली फॉर रेक, रीच के लिए एडजस्टेबल नहीं है। इधर इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाएगा, हेडलाइट लेवलर, सर्कुलर एसी वेंट्स हैं अगर आप साइड वाले देखते हो तो, ये अच्छे लग रहे हैं। और इसके अराउंड भी सिल्वर ट्रीटमेंट की आपको मिल जाती है। देन इस तरफ आपको इल्यूमिनेशन इंक्रीज एंड डिक्रीज का एक बटन मिल जाता है, ट्रिप मीटर इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे सब बटन्स आप देख सकते हो। अब यहाँ पे अगर आप देखते हो तो आपको फ्रंट एंड रेयर वाइपर के कंट्रोल्स मिल जाएंगे, इस तरफ आपको टर्न इंडिकेटर्स और आपको लाइट के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। देन आते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे, मैं गाड़ी चालू करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए सुजुकी का लोगो आता है, इस तरफ जो MID दी है, एनालॉग प्लस डिजिटल है। एनालॉग में आपको टैकोमीटर इस तरफ मिलेगा, एनालॉग में स्पीडोमीटर यहाँ मिल जाएगा, डिजिटल में आपको काफ़ी सारा डेटा भी जैसे कि डोर अजा वार्निंग, डोर खुला है मेरा वो दिखा रहा है, ऊपर टाइम दिखाया था, नीचे फ्यूल गेज आपको दिखाएगा, लो फ्यूल है वार्निंग दे रहा है, ट्रिप ए आपको यहाँ पे मिल जाता है। ऑल्सो यहाँ पे अगर इस बटन से मैं दबा के देखूँ तो आपको ट्रिप बी ट्रिप ए का यहाँ से मिल जाएगा, रेंज आपको दिखाएगा, ऑल्सो इंस्टेंटेनियस कंजम्पशन, डिस्टेंस टू MT, ये सारा डेटा जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है ना आपको सब इसमें मिलने वाली है, तो ये एक चीज़ अच्छी है। और अगर मैं इस बटन को प्रेस करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ से आप इल्यूमिनेशन कम कर सकते हो और इसी से आप इल्यूमिनेशन बढ़ा सकते हो। तो समझो सूरज सामने है, दिन के टाइम में गाड़ी चला रहे हो, आपकी आँखों में वो चुभ रहा है और विजिबिलिटी तब इशू हो जाती है कि इंस्ट्रूमेंट क्लस से इतना ब्राइट नहीं होता, फुल ब्राइटनेस कर सकते हो। रात के टाइम में गाड़ी चला रहे हो, आपको इसकी लाइट ज़्यादा परेशान कर रही है तो आप डिम कर दो उसको। तो ये एक यूज़फुल फीचर है जो आपको मारुति की तरफ से मिलती है इस इग्निस गाड़ी में। अब है ना बात करते हैं इसकी, ये कम कर लेते हैं आवाज़ इसकी, कैंसिल, यस, लो फ्यूल वार्निंग आपको यहाँ पे भी मिल जाती है इसमें। सो ये टच स्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम है, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले आपको इसमें मिल जाता है, ब्लूटूथ एंड USB कंपैटिबिलिटी, ऑक्स कंपैटिबिलिटी के साथ, इतने सारे फीचर्स जो आपने हर मारुति की कार में देखे हैं वो इस वेरियंट में भी आपको मिलते हैं। टच रिस्पॉन्स अच्छा है, लैग नहीं है, कुछ नहीं। साइड में कंट्रोल्स हैं, कुछ टच कंट्रोल्स या टच पैनल आप बोल लीजिए। नीचे की तरफ आपको हैजर्ड यहाँ पे दिया है, हैजर्ड लाइट के लिए, ये इंजन इमोबिलाइजर सेंसर लाइट आपको यहाँ पे मिल जाती है। मैनुअल AC इस गाड़ी में मिलता है, हालांकि अल्फा वेरिएंट में जाओगे ना तो आपको उसमें ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाएगा। नीचे की तरफ 12 वॉट का सॉकेट एक मिल जाएगा, यहाँ पे ऑक्स एंड USB पोर्ट मिल जाएंगे। इस तरफ आपको एक स्टोरेज कंपार्टमेंट है अच्छा खासा, 2 कप होल्डर्स। यहाँ पे है इसका 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियर नॉब। अब ऊपर ग्लास फिनिश है, खुरी क्रोम दी है, नीचे लेदर है, तो ये चीज़ें अच्छी लगती हैं। ऑल्सो यहाँ पे भी ग्रे फिनिश है जो आपने हैंडल बार पे देखी थी यहाँ पे, तो ये फिनिश यहाँ पे भी दी है जो ग्लॉस में मेटालिक फिनिश मिल जाती है।
ये चीज़ें प्रीमियम बना रही है इस गाड़ी को। क्रोम टिप आपको हैंडब्रेक पे मिल जाएगी। एंड सीट की बात करते हैं हम, मैंने कहा ना ये काफ़ी चौड़ी सीट्स हैं, कंफर्टेबल महसूस कराती हैं, एज सच कोई दिक्कत नहीं, इनकी कुशनिंग भी अच्छी है। सो लॉन्ग ट्रिप पे आपको कोई इस गाड़ी में दिक्कत नहीं महसूस होगी। आपको ड्यूल एयरबैग्स मिल जाते हैं ड्राइवर्स एंड पैसेंजर। यहाँ पे फ्लैट आपको डैशबोर्ड मिल जाएगा जो कि बहुत अच्छा लगता है। कुछ प्रीमियम कार्स में आपने देखा होगा फ्लैट डैशबोर्ड, और ये सही लगता है देखने में। इस तरफ अगर आप देखते हो ये इसका ग्लव बॉक्स कंपार्टमेंट, यहाँ स्पेस ऊपर टैबलेट होल्डर आपको मिल जाएगा। बात करें IRVM की थी तो आपको यहाँ पे मैनुअली डे एंड नाइट एडजस्टमेंट आपको मिल जाएगी। ये वाली टिकट होल्डर इस साइड पे आपको मिल जाता है, ठीक है। ये हैं इसकी कैबिन लाइट्स जो कि हैलोजन येलो कलर में हैं। रिसीवर्स आपको दो दो मिल जाते हैं यहाँ पे। इस तरफ आपको वैनिटी मिरर मिल जाएगा। आपको रिट्रैक्टेबल हैंडल बार्स अक्रॉस द व्हीकल मिल जाते हैं, सिर्फ ड्राइवर साइड पे नहीं मिलता क्योंकि कुछ कुछ कार्स में आ भी जाता है ड्राइवर साइड पे। सो ये थी गाड़ी की फुल फ्रंट कैबिन के बारे में जो भी मैंने अभी आपको समझाया। सो अब मैं ये ड्राइवर वाली सीट है अपनी हाइट के अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेता हूँ। अब है ना, चलते हैं पीछे और चेकआउट करते हैं कि पीछे कितना नी रूम बचता है। सो 5'8" मेरी हाइट है, ठीक है। सेम मेरी हाइट का बंदा अगर पीछे बैठे कितना नी रूम बचेगा। तो सेम डोर ट्रिम है, कोई कॉस्ट कटिंग नहीं है। वाइट ट्रीटमेंट, ब्लैक ट्रीटमेंट, इंटीरियर डोर हैंडल क्रोम में। ये आपके विंडो कंट्रोल्स आप देख सकते हो, एंड स्पीकर्स। यहाँ पे 1 लीटर बॉटल स्टोरेज, हालांकि कोई डोर पॉकेट इतना यहाँ पे नहीं बचता। अब बात करें इसकी तो एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको दिया है, 60-40 का स्प्लिट दिया है इनकेस अगर आप एक्सेस करना चाहते हो इसको। यहाँ से एक हाथ से तो करना मुश्किल होगा। यस, आप एक्सेस कर सकते हो पूट को यहाँ से, ठीक है। अब बात करते हैं इस स्पेस की, ठीक है। आप नी रूम देखो, अच्छा नी रूम है ये, कोई बुरा नी रूम नहीं है, बहुत प्रैक्टिकली इस चीज़ को किया है, ठीक है। अब यहाँ पे नी रूम अच्छा, लेग रूम अच्छा, और पैर भी नीचे मैं स्लाइड इन कर सकता हूँ, कंफर्टेबली बैठ सकता हूँ, रिक्लाइनिंग एंगल अच्छा है। अब देखो 1690 mm की जो चौड़ाई आ रही है ना, अब मेरे जैसे अगर 3 हेल्दी एडल्ट्स यहाँ बैठ गए तो सीटिंग एरिया वाइज प्लस शोल्डर रूम वाइज उनको दिक्कत होगी। तो 2 हेल्दी एडल्ट मेरे जैसे प्लस यहाँ पे एक बच्चा बैठे वो ज़्यादा कंफर्टेबल होगा कंपैरेटिवली। ये चीज़ें सबको पता है, बट स्टिल मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़ें ताकि किसी को ना पता हो तो वो मिस आउट ना हो जाए। यहाँ पे सीट पॉकेट्स आपको दी हैं ओनली ऑन द पैसेंजर साइड, ड्राइवर साइड पे आपको नहीं मिलती। रिट्रैक्टेबल हैंडल बार आपको मिल जाते हैं, कोई कोट हुक नहीं है इसमें, और लाइट आगे ही है, कहीं सेंटर में आपको नहीं मिलती। यहाँ पे इसका हम्प है, ठीक है। अब अगर मैं सेंटर में आपको बैठ के दिखाऊं तो आपको एक बेटर आइडिया आ जाएगा। ये देखो सो बैठ सकते हैं लोग, हेल्दी एडल्ट्स बैठ सकते हैं, बट उनको इतने कंफर्ट से नहीं, थोड़े पैर ऐसे रखने पड़ेंगे। एंड यहाँ पे थोड़ा एक पैर आप ऐसे रख सकते हो, या फिर अभी उस मैट पे मैं पैर नहीं रखूँगा, गंदी हो जाएगी नहीं तो। सो कंफर्टेबली बैठा जा सकता है, बट स्टिल उतना कंफर्टेबल नहीं है अगर 2 हेल्दी एडल्ट और बीच में अगर आप एक बच्चा बैठा हो, कंपैरेटिवली जो वो 3 हेल्दी एडल्ट का बैठना हो जाता है। और ये है डैशबोर्ड का लेआउट। इग्निस का डैशबोर्ड है ना, बहुत प्यारा दिखता है दिखने में हर चीज़। आप ब्लैक एंड, सबसे पहली बात तो ब्लैक और वाइट की जो कॉम्बिनेशन यहाँ मिल रही है, सिल्वर एसी वेंट्स, जो एसी वेंट्स में सिल्वर ट्रीटमेंट की लाइंस दी है, थोड़ा क्रोम का इस्तेमाल किया, वो चीज़ इसको प्रीमियम बना रहा है। और क्या चीज़ें प्रीमियम लगती हैं, ये सिल्वर ट्रीटमेंट आपके स्टेयरिंग व्हील पे, एंड ये जो आपको ग्लॉस फिनिश मिलती है मेटालिक फिनिश ग्रे कलर की, ये भी अच्छी लग रही है देखने में। नो डाउट इग्निस के इंटीरियर्स अच्छे और प्रीमियम लगते हैं। सो गाइज, ये है इग्निस जीटा मॉडल का फुल मैनुअल ट्रांसमिशन में जो आपको मिलता है 1.2 पेट्रोल इंजन के साथ। फ्यूल एफिशिएंसी फिगर्स भी अच्छे हैं जो मैंने बताया आपको, 20.8 kmpl। आपको ये गाड़ी कैसी लगी बताओ कॉमेंट सेक्शन में, कुछ भी सवाल है देखो पूछ लो, नहीं तो बेस्ट है इंस्टाग्राम पे आप कनेक्ट कर सकते हो। बूट स्पेस अच्छा है, ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा है, आराम से स्पीड ब्रेकर्स से निकलोगे। इंजन 4 सिलेंडर है, आप आराम से एक स्मूथ राइड पे जा सकते हो। कंफर्टेबल सीट्स हैं, फीचर्स भी अच्छे खासे हैं इस प्राइस पॉइंट में। सो आप बताओ कमेंट सेक्शन में आपको गाड़ी कैसी लगी, और नंबर्स नीचे दे रहा हूँ, ज़रूर कॉल कर लेना अगर आप प्लान कर रहे हो गाड़ी लेने का, फ़ायदे में रहोगे। सो मिलते हैं अगली बार एक नई गाड़ी के साथ, टिल देन बाय गाइस, टेक केयर एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।